जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग विदिशा दौरे पर आए, जहां उन्होंने समर्पण निधि संग्रह अभियान में शामिल होकर कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। आजीवन समर्पण निधि संग्रह अभियान में शामिल होने के लिए मंत्री विश्वास सारंग विदिशा पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। वहीं मंत्री सारंग का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री सारंग ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। जनता पार्टी जी के जन्म शताब्दी वर्ष में दो कार्यक्रम को लेकर साल भर काम करने वाली है। एक बूथ विस्तार योजना के तहत हमने हर बूथ पर हमारी बूथ की समिति बनाकर उसका डिजिटाइजेशन किया। संपूर्ण प्रदेश में यह हमारा कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक निष्पादित हुआ है। उसके साथ ही शुचिता की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से समर्पण निधि इकट्ठी कर आगे के पार्टी के कार्यक्रमों के आयोजित करने के लिए समर्पण निधि का कार्यक्रम किया है। आज उसी कार्यक्रम में मैं संगठन की बैठक लेने विदिशा आया था। उसके साथ ही विदिशा में बहुत दिनों से एक ऑडिटोरियम का काम चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ था, उसका भी आज हम निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो भी पूरा हो सके उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। पार्टी का विस्तार, हमारे संगठन का विस्तार हो, ये हम सबका मंतव्य है और इसीलिए आज मैं विदिशा के दौरे पर आया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।